गाइस अब हम पढ़ेंगे सीमांत उपयोगिता का घटता नियम, मतलब डिमिनिशिंग लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। ये लॉ हमें बताता है कि जैसे जैसे हम वस्तुओं का उपभोग करते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं बढ़ाते जाते हैं, हमें उस वस्तु से मिलने वाली जो संतुष्टि है वो घटती जाती है, उससे मिलने वाली संतुष्टि कम होती जाती है। इस चीज़ को बताता है डिमिनिशिंग लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। इस नियम के अनुसार हमारी मार्जिनल यूटिलिटी और कमोडिटी के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, मतलब उल्टा रिलेशनशिप होता है। क्वांटिटी तो बढ़ती जाती है पर मिलने वाली जो सेटिस्फैक्शन है मिलने वाली वो कम होती जाती है, घटती जाती है। तो चलिए यार एक टेबल बना लेते हैं, वही टेबल जो हमने पिछले एग्जांपल में भी यूज़ करी थी। हम लेते हैं क्वांटिटी और उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी। तो जब हम पहली वस्तु का उपभोग करते हैं, मिलने वाली सेटिस्फैक्शन 6 मान लेते हैं। जैसे हम उसी वस्तु की एक और इकाई का उपभोग करते हैं, हमें उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन घट के 4 हो जाती है, उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन घट जाती है, कम हो जाती है। फिर तीसरी पे वो और कम होती है, 4 पर 0 और 5 पर नेगेटिव हो जाती है। तो आप देख सकते हैं दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, ये घट रही है और क्वांटिटी बढ़ रही है। इसे डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बिल्कुल वही डायग्राम बनेगा जो अभी हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था। चलिए देख लेते हैं, यहाँ नीचे हमारी क्वांटिटी है और इधर है हमारा मार्जिनल यूटिलिटी। चलिए बराबर पॉइंट बनाते हैं एक बार फिर से, 2, 4, 6 क्वांटिटी है हमारी, 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है। एक पर जो सेटिस्फैक्शन मिल रही है वो हमें मिल रही है 6, 2 पे जो सेटिस्फैक्शन मिल रही है वो हमें मिल रही है 4, 3 पे जो सेटिस्फैक्शन मिल रही है वो है हमारी 2, 4 पे सेटिस्फैक्शन मिलती नहीं है और 5 पे नेगेटिव हो जाती है। तो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से बनेगा, नेगेटिव हो जाएगा आपका। अगर हम नीचे भी बनाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है नेगेटिव हो जाती है सेटिस्फैक्शन। चलिए नीचे भी बना देते हैं, ये है हमारा -2 जो कि आएगा कहीं इधर, ये लीजिए ये बना दिया हमने नीचे भी। तो ये बन गया आपका MU, जो कि क्या दर्शाता है, जो कि दर्शाता है कि जैसे जैसे वस्तुओं के कंजम्पशन को बढ़ाया जा रहा है उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन घटती जा रही है और घटकर नेगेटिव 0 होती है और 0 के बाद नेगेटिव हो जाती है। तो गाइज उम्मीद करता हूँ आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा और अच्छा लगेगी हमारी ये वीडियो। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसके साथ साथ अगर आप इंग्लिश भी सीखना चाहते हैं तो हमारे एक और चैनल है, अब उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा, इंग्लिश मैन स्पेस RS के नाम से, जहाँ पे हम इंग्लिश की डिटेल नॉलेज देते हैं। तो प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और अगले वीडियो में हम इससे आगे का टॉपिक पढ़ेंगे, आगे के टॉपिक्स को पढ़ेंगे। और चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।